हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट हेयर को कैसे एडिट करें एकदम ओरिजिनल एंड प्रोफेशनल तरीके से। तो बेसिकली मैं फ़ोन में एडिट करूंगा एंड पिक्सल्स का भी कोई लॉस नहीं होगा। आप मेरे हेयर्स को देख सकते हैं, इस तरीके के हेयर्स थे एंड इसे मैं एडिट करने के बाद कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। बेसिकली आपको मैं जूम करके भी दिखाता हूँ, पिक्चर क्लैरिटी में कोई भी इशू नहीं है। एंड सबसे पहली बात तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने PS Touch एप्लीकेशन में आ चुका हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन से एकदम सही पिक्सल्स रहते हैं एंड शार्पनेस भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहती है एंड बिल्कुल भी पिक्चर क्वालिटी का लॉस नहीं होता। तो सिंपली सबसे पहले तो हमें अपने हेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पे रिफाइन एजेस में जाना है एंड एक बार ऐसे टैप कर देना है, ऑटोमेटिकली जो हमारे एजेस हैं वो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। एंड इसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली ऊपर एस वाला टूल दिख रहा है उस पर जाना है एंड यहाँ पर आपको वार्प का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस वाले टूल को पूरा देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना ये वाले पार्ट को। तो इसको हम कैसे यूज़ करें, सिंपली यहाँ से हम इसे ऊपर कर सकते हैं एंड इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से एंड इसे मतलब फैला सकते हैं एंड अंदर को कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब स्ट्रेचिंग ही बोल सकते हो आप। बट ये एकदम प्रोफेशनल तरीके से एडजस्ट कर लेता है ताकि ऐसे लगता ही नहीं है कि एकदम फेक सी है हेयर्स, आपने देखा ये रिज़ल्ट। तो सिंपली सबसे पहले तो मैं इसे कुछ इस तरीके से फैला दूंगा एंड काफ़ी हद तक ये मतलब एडजस्ट कर देता है हमारे हेयर्स को किस तरीके से मतलब ऐसे अच्छे से लगे एंड प्रोफेशनल से लगे। तो सिंपली सबसे पहले तो आप ऊपर से, मैं इसे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ एंड देख सकते हो ऑटोमेटिक मतलब बना लेता अपने हेयर्स को। एंड इसके बाद आपको एक प्रॉब्लम रहेगी, ऐसे वाइट वाइट वाली जैसे लग रहा है एंड स्किन हमारी क्योंकि स्ट्रेच हो गई है साथ में, तो आपको मेक श्योर कर लेना कि आप एक डुप्लीकेट लेयर पे काम करो एंड एक लेयर आप ओरिजिनल रखो। एंड इसके बाद आपको इरेज वाले टूल में जाना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो वो स्किन वाला पार्ट ऊपर मतलब स्ट्रेच हो गया उसको कैसे ठीक करना है। ब्रश पे जाना है एंड यहाँ की इसकी हार्डनेस बिल्कुल आपको कम कर देनी है, फ्लो को कम कर देना है एंड साइज़ को बढ़ा देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्रश चला देना है एक बार एंड आपकी जो वो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो चुकी है। अभी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ एक बार, ये हमारी फोटो एंड ये बिफोर एंड ये आफ्टर, काफ़ी अच्छा सा मतलब रिजल्ट आ चुका है हेयर्स एडिटिंग को लेकर। अगर आपको लाइट रूम का एक फ्री प्रीसेंट चाहिए तो वो प्रीसेंट कैसा आपको मैं बता देता हूँ। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर हम थ्री डॉट में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला प्रीसेंट अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड अगर आप प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि काफ़ी सारे और भी यूनिक यूनिक ट्यूटोरियल इसी चैनल पे आने वाले हैं एंड और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, वीडियोज़ है चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।